भवानी सिंह की भूमिका प्राण को निभानी थी, लेकिन बाद में सुल्ताना अहमद ने फैसला किया कि राजकुमार को यह भूमिका निभानी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान राजकुमार को एक हीरे का नेकलेस पकड़ना था, इसलिए उन्हें एक नकली नेकलेस दिया गया, जाने से इनकार कर दिया गया। वह नकली चीज़ें नहीं रखते थे, उन्होंने असली हीरे का नेकलेस रखने पर जोर दिया, जिसके बाद वह शूटिंग के लिए तैयार हो गए। राजकुमार सुल्ताना अहमद जानी को मुगले आजम कहा करते थे। 1978 में इस फिल्म के मुहूर्त के दौरान राजेश खन्ना पर शॉट लिया जाना था और अमिताभ बच्चन को लैप देना था। राजेश खन्ना सेट पर अमिताभ बच्चन से पहले नहीं पहुंचना चाहते थे, इसलिए वो हर बार फोन करके पूछते थे कि क्या अमिताभ बच्चन पहुंच गए। दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की भी यही समस्या थी, वो फोन करके पूछते थे कि क्या राजेश खन्ना पहुँच गए। अमिताभ बच्चन चाहते थे कि वह राजेश खन्ना के बाद पहुँचे। इधर सुल्ताना अहमद बेचैन हो गया था, तभी अमिताभ बच्चन आए और उसी राजेश खन्ना आए और उन पर मुसरत शॉट फिल्मा गया और अमिताभ बच्चन ने प्लेप दिया। सुल्ताना अहमद को मिली राहत। धर्मकंटा के निर्माण के दौरान सुल्ताना अहमद ने घोषणा की थी कि वह नौसत के संगीत के साथ शहबाजादे सलीम अनारकली बनाएगी, जिसमें दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन होंगे, लेकिन यह फिल्म बंद कर दी गई। राजेश खन्ना ने सुल्ताना अहमद को डिप्लो को फिल्म लेने का सुझाव दिया था। सुल्ताना अहमद ने राजेश को कहा कि डिंपल को तभी लेंगे जब राजेश खन्ना मुख्य भूमिका निभाएगी। सुल्ताना अहमद चाहते थे कि क्रेडिट सिक्स से पहले एक दृश्य में कोई और नहीं केवल अभिनेता ओम प्रकाश अभियान करे। आमतौर पर ओम प्रकाश पूरी फिल्मों में अभियान करते हैं और ओम प्रकाश ने अपनी बजाय कीमत पर जोर दिया, क्योंकि अन्य लोग उन्हें कम भुगतान करेंगे। वह अपनी कीमत खराब नहीं करना चाहते थे। सुल्ताना अहमद ने ओम प्रकाश को पूरी बाजार कीमत चुकाई। नथु दादा ने कहा कि धर्मकंटा की शूटिंग के दौरान वह बुरी तरह घायल हो गए थे। एक लड़ाई के दृश्य में अभिनेता अमजद खान को उसे फेंकना था और उसे सुरक्षित रूप से उतारना था, क्योंकि कोई उसे पकड़ लेता है। हालांकि वह गिर गए और उससे रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। नौसत और मजरुआ सुल्तानापुरी के करियर के उत्तरदान के धर्मकांता का संगीत और गीत सबसे सफल गीतों में से एक था। म्यूजिक मेस्ट्रो संगीतकार नौसत अली ने 8 साल बाद वापसी की और म्यूजिक गोल्ड था। सुल्ताना अहमद के गुरु के असिक की बेटी हिना कौशल को भी धर्मकांटा में अहम रोल दिया गया था। फिल्म निर्माता सुल्ताना अहमद के असिक के सहायक थे। 1970 के दशक में एक समय सुल्ताना अहमद को के आसिफ की लव एंड गोल पूरी करनी थी, लेकिन तब वह ऐसा नहीं कर सके। सुल्ताना अहमद ने 1990 के दशक की शुरुआत में दत्त के बाद उस समय की हिट जोड़ी अनिल कपूर और माधुरी के साथ कल्याण जी आनंद जी के संगीत के साथ गंगा की धारा लॉन्च की। कमल अमरोही ने ताली बजाई, दुर्भाग्य से गंगा की धारा बंद हो गई। फिर उन्होंने एक बिना शिक्षक वाली फिल्म लॉन्च की और बप्पी लाहिड़ी ने सभी गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन फिल्म नहीं बनी। आखिरकार विक्रांता बनी। जय विक्रांता के बाद 1996-97 में सुल्ताना अहमद ने आदेश श्रीवास्तव के साथ रामा नामक एक फिल्म में लॉन्च की, जिसमें 4 गाने रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन फिल्म बंद कर दी गई और यह आखिरी सुल्ताना अहमद द्वारा घोषित फिल्म थी। दरअसल प्राण को जितेंद्र और राजेश खन्ना के पिता का रोल करना था, लेकिन फिर सुल्ताना अहमद ने सोचा कि उन्हें फिल्म को बड़ा दिखाने के लिए फिल्म में सुल्ताना बनाने के लिए प्राण की जगह राजकुमार को लेना चाहिए। फिर वहीदा रहमान को साइन किया गया। फिल्म का वजन और बढ़ गया। कादर खान ने राजकुमार के लिए मनमोहक संवाद लिखे थे। सुल्ताना अहमद ने कहा कि फिल्म के निर्माण के दौरान जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की है। वे अधिक फुटेज की चिंता करेंगे और प्रत्येक दृश्य में एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। सिनेमाटोग्राफर आरडी मथुर की यह उनकी आखिरी फिल्म है। उन्होंने मुगले आजम, पाकीजा आदि बड़ी फिल्मों में काम किया था। सुल्ताना अहमद की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक थी। 1982 में दो बड़े बैनर की फिल्में राजकुमार की प्रेम रोग और सुल्ताना अहमद की धर्मकांटा एक ही दिन रिलीज हुई थी और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकमास्टर रही थी। फिल्म में लता मंगेशकर का कोई गाना नहीं है, हालांकि उसका नाम क्रेडिट में दिखाई देता है। फिल्म में गायिका के रूप में सुलक्षणा पंडित का नाम आता है, लेकिन उनका कोई गाना फिल्म में नहीं है। सुल्ताना अहमद की सर्वश्रेष्ठ में से एक है।
सुल्तान अहमद ने सुना कि अमिताभ इस बात से नाराज थे कि फिल्म में उनकी जगह राजेश खन्ना ने ले ली है। सुल्तान अहमद ने अमिताभ को हिट फिल्म में गंगा की सौगंध दी थी, इसलिए वह उनके साथ दोबारा काम करने के लिए उत्साहित थे। सुल्तान ने कहा कि उन्हें अमिताभ को छोड़ना पड़ा क्योंकि अमिताभ सुल्ताना द्वारा फिल्म के लेखक के रूप में वीवी बल्ला को लेने से नाराज थे। अमिताभ इस प्रोजेक्ट के लिए सलीम और जावेद को चाहते थे। सुल्तान अहमद वीवी बल्ला को अमिताभ को फिल्म सुलाने के लिए श्रीनगर ले गए थे। सुल्ताना ने कहा कि यह गलती थी क्योंकि वह हमेशा अपने अभिनेताओं को फिल्म की कहानी खुद सुनाते थे। अमिताभ ने बीबी बल्ला को देखा और परेशान हो गए। उसने तुरंत खट्टा मुंह बना लिया। उन्होंने सुल्ताना अहमद को बताया कि उनकी कहानी में क्या खास है। इस मूल रूप से बहुत दूर था। वही पुरानी कहानी, दो भाई, एक डके, दूसरा पुलिस अधिकारी, फिर अधिकारी ने अपनी बंदूक डाकू भाई की कान में घुसा दी। इससे सुल्ताना अहमद पागल हो गए। वह अमिताभ से उन किसी फिल्म की कहानी बताने के लिए कहना चाहते थे जो वो वर्तमान में कर रहे हैं। सुल्तान अहमद ने उनसे पूरी स्क्रिप्ट सुनाने को कहा। अमिताभ ने शाम के ही अपॉइंटमेंट फिक्स किया, लेकिन सुल्ताना को पता था कि अमिताभ इस फिल्म नहीं करना चाहते थे। जब शाम हुई तो अमिताभ ने सुल्ताना अहमद से कहा कि वह सुबह आए और नाश्ते के दौरान वे इस पर चर्चा करेंगे। सुल्ताना अहमद धूमे और अपने लेखक बीबी बल्ला के साथ वापस बम्बई के लिए उड़ान भरी। अगली सुबह अमिताभ के अस्वस्थ हुआ और जब उन्हें एहसास हुआ कि सुल्ताना अहमद अभी भी चले गए हैं।